हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप बेबी ड्रेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए लेडीज के। बहुत सुंदर लगता है ये डिजाइन और बनाने में उतना ही आसान है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 9 फंदों के स्टिच के मल्टीपल में हम स्टिचेस डाल लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बनाया है ये डिजाइन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके। तो इसके लिए मैंने ये 9 के मल्टीपल में स्टिचेस बना लिए हैं और प्लस 4 कर लिए हैं तो हमारा डिजाइन इसमें सेट आ जाएगा। ये देखिए, यहां से यहां तक 9 है, फिर यहां से यहां तक 9 है और ये 4 मैंने ले लिए हैं डिजाइन को इक्वल करने के लिए। तो यहीं से हमने डिजाइन स्टार्ट करना है। ये मैंने 3 चेन बना ली हैं। और 4 स्टिच बना लिए डबल क्रोशिया से। अब यहां पर 1 चेन करेंगे। यहां से फ्रेंड्स हमने 2 स्टिच छोड़ने हैं और तीसरे में आ जाना है। 1 स्टिच लगाए, उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहां पे 3 चेन बनानी है तो वापस सेम पोस्ट पे आ जाना है और 1 स्टिच लगा लेना। फिर 1 चेन करेंगे, 1, 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे। यहां फिर हमने 4 स्टिच बना लेने हैं डबल क्रोशिया से। फिर 1 चेन कर लेंगे, 1, 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे। यहां फ्रेंड्स 3 चेन बनानी है और सेम पोस्ट पे फिर से 1 स्टिच लगाना है। फिर 1 चेन बनाएंगे, 2 स्टिच छोड़ेंगे और 4 स्टिच बना लेंगे डबल क्रोशिया से। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। सेकेंड रो पे आगे हैं, ये 3 चेन बना ली मैंने। और ये 4 स्टिच लगा लिए हैं डबल क्रोशिया से। अब देखिए, अब यहां से हमने फ्रेंड्स ये वाला जो स्टिच है इसको ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे देखिए 1, 2 फिर से धागा रैप करेंगे क्रोशिया हुक पे, 3 फिर से क्रोशिया हुक पे धागा रैप करेंगे, 4 फिर से रैप करेंगे और 5। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से
दो दो करके हमने ऐसे दो, फिर दो, फिर दो, इस तरह से हमने बना लेना है। अब फ्रेंड्स ये इसके अंदर हमने ये जो तीन चेन बना रखी हैं, तो यहाँ पे हमने छह स्टिच बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छह। ये छह स्टिच हो गए हमारे। अब फिर से हमने जैसे हमने इस तरफ बनाया है उसी तरह से बनाना है, एक दो तीन चार पांच, और दो दो करके इनको इस तरह से निकालते जाना है। अब फ्रेंड्स ये वाले चार स्टिच बना लेंगे। ये देख इसको ऐसे एक दो तीन चार पांच, और अब एक, इस तरह से दो दो करके इनको बुनते जाना है। अब ये वाले चार स्टिच बना लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए, तीन चेन बनाएंगे। चार स्टिच हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे छह स्टिच बना रखे हैं हमने ये, तो एक दो तीन, तीन स्टिच छोड़ के तो यहाँ आ जाना है। एक चेन कर लेंगे पहले, फिर ये तीन स्टिच छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक दो तीन चेन करेंगे, यहाँ जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वही रो हमारी यहाँ बनेगी।
सॉरी, यहाँ दो स्टिच बनाने हैं हमने। फिर एक चेन, नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हमने फिर से बटरफ्लाई बनानी है। इस रो में पहले ये चार स्टिच लगा लेंगे, एक दो तीन चार पांच, अब यहां पे हमने छह स्टिच बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छह। एक दो तीन चार पांच, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बटरफ्लाई डिजाइन बनता जाएगा। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।